नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आईएएस एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों को स्वागत है। और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों में अंतर को लेकर के ये वीडियो समर्पित है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को और जो टॉपिक है वो अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हम आज प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक और अधिनियम, इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों में क्या अंतर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रस्ताव है, प्रपोजल जिसको कहा जाता है, कोई कमेटी है, कोई कमीशन है या इसी तरीके से कोई सदन है, वहां पर अगर किसी भी विषय पर कोई भी विचार प्रारंभ करना हो तो लिखित रूप में जो प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है वो प्रस्ताव कहलाता है। मतलब किसी भी समिति में, सदन में या किसी भी आयोग में किसी विषय पर जो विचार प्रारंभ करने के लिए लिखित रूप में कोई प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वो प्रस्ताव कहलाता है। इसी तरीके से संकल्प, जैसे इन्हीं तीनों प्रकार के जो है अंगों में या संगठनों में या स्ट्रक्चर में, जैसे समिति हुआ, आयोग हुआ या सदन हुआ, इनके पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए जब कोई प्रस्ताव वहां पर रखा जाता है तो वो संकल्प कहलाता है, वो संकल्प कहलाता है। और इसी तरीके से यहां पर एक शब्द आ रहा है विधेयक। जब संसद के या राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में से किसी में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या इसी तरीके से विधानसभा हो या विधान परिषद हो, कानून निर्माण के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो विधेयक के रूप में आगे बढ़ता है। ये विधेयक के रूप में आगे बढ़ता है जो किसी विषय पर कानून के निर्माण से संबंधित होता है। और जब वो संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है या राज्यपाल के पास जाता है और वहां उसे अनुमति प्राप्त हो जाती है या सहमति दे दी जाती है, तो वह जो है एक्ट या अधिनियम बन जाता है। विभिन्न प्रकार के एक्ट समय समय पर बनते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक और अधिनियम के बीच में एक मौलिक अंतर होता है। जैसे विधेयक जब प्रारंभ किया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया, तो वो विधेयक जो है सदन में प्रस्तुत किया गया, लोगों उसके द्वारा, प्रस्तुतकर्ता के द्वारा भाषण दिया गया, विभिन्न प्रकार के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वाचन होते हैं, फिर उसमें संशोधन किया गया, अंतिम रूप से उसे सदन के द्वारा पास किया गया, पुनः वो दूसरे जो है सदन में भेजा गया, वहां पर भी वो विधेयक के रूप में आगे उसकी मूवमेंट होगी। और जब वो विधेयक दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के द्वारा सहमति और हस्ताक्षर दे दिया कर दिया जाता है तो वो अधिनियम हो जाता है। इस तरीके से प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक और अधिनियम के बीच में एक मौलिक अंतर पाया जाता है। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया इन विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों के बीच के अंतर को, क्योंकि समय समय पर जब हम अपने उत्तर को लिखते हैं तो उसमें ऐसे शब्दों का जो है जिक्र होता है, उल्लेख होता है, तो इसलिए इन मूल शब्दों के बीच में मौलिक अंतर को समझना आवश्यक है। अगर आप सभी लोगों में से जो भी लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल वीडियोज के लिए टैप करें, तो पुनः जल्द ही हम एक नए वीडियो में, एक नए क्लास में समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इसी तरीके के जो है वीडियो के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।